सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आज जनवेदना सम्मेलन किया। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी पीएम का निजी फैसला था, पीएम ने आरबीआई का मजाक उड़ाया है, आरबीआई गवर्नर की सलाह को नजरअंदाज किया गया। हमने नोटबंदी पर जनता की आवाज उठाई है, नोटबंदी की किसी भी अर्थशास्त्री ने तारीफ नहीं की थी। नोटबंदी के बाद पीएम बाबा रामदेव जैसे होममेड इकोनॉमिस्ट के पीछे छिप रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, हमें 70 साल का हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानी दी है। राहुल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम 4 दिन में सफाई अभियान भूल गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्होंने तोड़ दी है, नोटबंदी एक बहाना है, मोदी जी को पता लग रहा है कि योगा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि 2-2.5 साल पहले पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत की बात कही, ये ड्रामा कुछ दिन चला और फिर मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया आया, कुछ दिन इंडिया गेट पर योगा किया, पीएम पद्मासन भी नहीं लगा पाए, जो पद्मासन नहीं करता वो योग नहीं करता। तो जनवेदना सम्मेलन के बहाने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने मोदी शासन की सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम का मजाक उड़ाया और नोटबंदी को इतिहास का सबसे खराब फैसला बताया। देखते रहिए डीबी लाइव।